आज 68 दिन बाद भारत में लॉकडाउन खुला है और इतने दिन बाद जब लॉकडाउन खुला तो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में आम दिनों से कितना अंतर आ गया है ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपको अपने रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला दिन लोगों की जिंदगी में कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी, लेकिन तब भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए देखा गया। पर दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील करने की वजह से दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। फिर जाम में फंसे यात्रियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कल घोषणा की कि अंतर राज्य यात्रा की अनुमति है, लेकिन आज भी हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई पास नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से उद्यान एक्सप्रेसवे रवाना हुई, तो वहीं मुंबई के सायन इलाके में एक सब्जी मंडी के बाहर भारी जाम लग गया। तमिलनाडु में दक्षिणी रेलवे जोन के सलेम रेलवे डिवीजन में आज दो ट्रेनों ने अपने परिचालन की शुरुआत की, तो वहीं केरल में कन्नूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जनशताब्दी के साथ 199 यात्री कालीकट रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज से अपनी बस सेवाओं को फिर से शुरू किया। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद सिलीगुड़ी के एक मंदिर में लोग प्रार्थना करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों को शारीरिक दूरी जैसे अन्य नियमों के साथ शुरू करने की अनुमति दी, जिसके बाद मुरादाबाद में आज से सैलून फिर से खुल गए हैं। तो वहीं रेलवे ने जानकारी दी है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन में आज गोमती एक्सप्रेसवे रवाना हुई, सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी की। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में राज्य सरकार ने अंतर्राज्य और अंतर जिला यात्रा की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो ये हम आपको बता दें कि रेलवे आज से देश भर में 200 स्पेशल ट्रेनें चला रही है, जिसके तहत कर्नाटक में KSR बेंगलुरु हुबली जनशताब्दी क्रांति वीर संगोली रायना बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से आज सुबह रवाना हुई। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।